प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। सोमवार को उन्होंने 7 मंजिला स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन भी किया। ये मंदिर ऐतिहासिक रूप से खास होने वाला है, क्योंकि इसका नाता सीधे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज से भी जुड़ता है। इसके अलावा पीएम मोदी 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का भी ऐलान करेंगे। 7 मंजिलों वाला ये भव्य मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 12 किलोमीटर दूर उमराहा में बनाया गया है। ये 105 पंखुड़ियों वाले कमल के गुंबद से सजा हुआ है। यहाँ 20,000 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था है। मंदिर 3 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ मकराना मार्बल पर स्वर वेद के 3,137 छंद भी उकेरे हुए हैं। महामंदिर की आधारशिला सदगुरु आचार्य स्वतंत्र देव और संत परिवार विज्ञान देव ने 2004 में रखी थी। तब से ही इसका निर्माण जारी है। खास बात यह है कि निर्माण में 15 इंजीनियरों के साथ साथ 600 कर्मी भी लगे थे। मंदिर में 101 फवारे हैं। मंदिरों की दीवार पर गुलाबी पत्थर लगा हुआ है और आस पास में बड़ा बगीचा है जहाँ जड़ी बूटियां लगी हुई है। दरअसल स्वर वेद के लेखक सदाफल देव जी महाराज ही हैं। उन्होंने विहंगम योग की स्थापना की थी। महाराज का जन्म 19वीं सदी में हुआ। वे आध्यात्मिक गुरु और विद्वान थे। मंदिर से जुड़े एक अधिकारी बताते हैं कि महामंदिर में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की मूर्ति भी है। मंदिर की वेबसाइट के मुताबिक महामंदिर दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान का केंद्र या मेडिटेशन सेंटर बनेगा, जहाँ एक बार में 20,000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। वाराणसी दौरे पर आए पीएम मोदी विहंगम योग के शताब्दी समारोह में भी शामिल होने वाले हैं। खास बात यह है कि वो दूसरी बार मंदिर का दौरा कर रहे हैं। बता दें, इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।